हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं डिटॉक्स काढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 ग्लास पानी लेना है सबसे पहले हमें। ये काढ़ा के फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं बताऊँ तो आपको गैस एसिडिटी में काफ़ी फ़ायदा करेगा, कब्ज जिनको पेट साफ नहीं होता है उनको बहुत फ़ायदा करेगा ये काढ़ा, किडनी को क्लीन करता है ये काढ़ा, और मैं बताऊँ तो यूरिन इन्फेक्शन में काफ़ी हेल्प कर सकता है ये काढ़ा, वज़न घटाने में बहुत हेल्प करेगा आपको ये काढ़ा, पूरा बॉडी को डिटॉक्स करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अभी हम बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 टीस्पून सोनामुखी। ये पूरी चीज़ हमें फुल लेनी है, पाउडर का उपयोग न करें तो अच्छा है। उसके बाद हम लेंगे 2 टीस्पून गोखरू लेंगे हम। ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ कनाडा में, US में ग्रोसरी स्टोर में अवेलेबल है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, इंडिया में सारी चीज़ें अवेलेबल है ही है। और इसके बाद हम लेंगे 25 से 30 नंग 30 पीसीस हम लेंगे वावडिंग दाना। इसके बाद हम लेंगे 25 से 30 पुदीने के पत्ते लेंगे हम। आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राई भी यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं है। इसके बाद हम लेंगे 1 चम्मच जीरा लेंगे हम। इसके बाद अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, इसको अच्छे से हिला लेना है, मिक्स करना है और 15 मिनट तक इसको बॉईल करना है, जब तक पानी आधा ना हो जाए, 1 कप ना हो जाए तब तक इसको उबालना है। 15 मिनट के बाद ऐसा हो जाएगा, आधा हो गया है पानी। अभी इसको छान लेना है। ये काढ़े को प्रेगनेंसी के दरमियान नहीं लेना है, पीडियर्स में नहीं लेना है, और इसके बाद ये काढ़े को आप डेली रूटीन में नहीं यूज़ कर सकते हो, हफ्ते में 1 बार ले सकते हो और या महीने में 3 से 4 बार ही आप इसका प्रयोग कर सकते हो। देखो ये काढ़ा इस प्रकार हो गया है, देखो आप देख सकते हो। इसके बाद इसमें गुड़ ऐड करना है, आपको जितना स्वीट पसंद है उसके हिसाब से ऐड करना है, और ये काढ़े को धीरे धीरे शांति से सिप ले लेके पीना है। सुबह में खाली पेट इसको ले सकते हैं, शाम को 6-7 बजे खाली पेट इसको ले सकते हैं। ये काढ़ा रेडी है, सर्व करने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।